में रह जा रहे हाकू पहलवान बड़ा टोर वाला बदमाशी सारे शहर ओदगुल का बंदा ओनू मेरा रुका देगा ओदगुल जवाब ले लेंगे जवाब लियो मगर बाप सुना गल ही कोई नहीं चौड़ा लांगा अरे तुम मन रुका दो अला ओ फजिया अंदर लिफावा फड़ी तेरा ने थले पियाई हो जा मैं इस खाते च लिखा कि सुल्तान क्यों पुत्र झूठ बोल दिए मां चौधरी ने मैंने जरूरी काम लिए बुलाया थी आहो मां मैं चौधरी का खत लेके वड्डे वेले ते शामो पहला पहला वापस आ जाऊंगा हीरा शर्म नहीं ओ मैं ते तेरा माहौल प्या करना था चलिए तू तो मेरी कोई भैन है दुपट्टे की कड़ी गल है तू रब की सौ तू तो मेरे को जान भी मंगे तो ता भी इनकार ना करा ना भगवान जी यह जे वो बंदा जिन्हें परसों रात मुखबरी करके साडे जुए की बैठक पुलिस का छापा पाया दस वे तेन मुखबरी करने की जरूरत किसने हुई माफ कर दो भगवान जी मैनू इस माले जाया थोड़े दिन हो मैं नहीं थी पता अब पर असी तेन दसने एक बार माफ कर दो मैं माला छड़ के तुर जाएगा असी तेन छिटा का महला छड़ के जाएगा ना डांगा तय खाने बंद कर दो डांगा मार मार के दी पापा हाँ पा दो मैं वेखांगा इनू छुटाने की कहड़ा महिला ला लाता भाजी तो लेवल जा जाके कह आपू ने कह कि अज शाम तो पहला पहला 2000 रुपया मेरे डेरे से पहुंचा देवे नहीं तो तंग होगा अच्छा वालेकुम भी जवानो वालेकुम असलाम तू मैं ताडा ममान हाँ एडा औखा ना बोलो भाइया ताडी इज्जत का सवाल है इज्जत का सवाल है अरे कितों आया ओए चौधरी अच्छू दे पिंडो अच्छा अच्छा तू साडे यार दे पिंडो आया आहो आ फिर बैठ जवाना जाओ छेती ना लस्सी पानी लेके आओ भगवान जी की ना तेरा जवाना मेरा ना ते मोहम्मद सुल्तान है ते ताडे तो आकू भलवान केड़ा है मैं आकू हां मेरे यार दा सुनिया लेके आया है सुनिया कोई नहीं लियाया ए खत लेके आया एनू चंगी तरह गौर नाल पढ़ के एदा जवाब लिख दे ओए जी पागला वांगे ते संडे पे हो मैं छेती ना खत दा जवाब दियो मैं शामों पहला पिंड पढ़ना है की मत वाले चौधरी अच्छू ने लिखे है खत लेके आने वाला मेरा मुजारा है ए बड़ा अखर ते मुंह जोरे एदी खूबसूरत जवान भैन है हाकू चौधरी अच्छू ने खत च मेरी भैन दा जिक्र क्यों किया ओए अब तो सुन ओए छेती पढ़ मैनू गुस्सा चढ़ गया अच्छू ने अगे लिखे है तुरिया के जूंदा वापस ना आए तू इनू ठिकाने ला दे एदी भैन नू मैं सीने ना लावांगा ते ठंड पै जाएगी हाकू उन्होंदी भैन नहीं है मैं ओदा गाटा ला देंगा ओए तो अपनी खैर मना ओए परा करो बंदूकड़ी
दसो पाजी मैं कोई पैड़ा कीता भैन की इज्जत की खातिर खून ही कीता है ना मैनू कोई अफसोस नहीं। तू एक बर्तन कतल करके बहुत बड़ा नेक काम किया। इंशाल्लाह सब बरी होगा। कल तेरे फैसले की आखिरी तरीके ना आहो पाजी जो रब नू मंजूर होया ओ ही फैसला हो जाएगा। तू मार के तू अपनी मां से आवाज मारी है। सुन मेरे से उधार लिया कल तेरे फैसले की तरीख है रब के तेन एक दिन की सजा मैं तेरा उधार ला देंगा और मेरा नाम रह के मामा बाहर चलाऊंगी जाने पीरा पाकी परिया लोकी तेरे दाज से पुत्र मंगन आते हैं ते मैं तेरे दाज से पुत्र की जिंदगी मंगन आई है बढ़िया शादा वालिया पीरा तू ना दी औलाद है जड़ी सारी कायनात से मालक ने ते मेरी कायनात इको पुत्र जरा मां की अखा का चानक ते काता दीवा ने काता दीवा चला चला दीवा आओ आओ प्रभो आओ बैठ जाओ। आज सारे कच्चे होके मेरे घर आए हो खैर तो है अब्बा है सारे चौधरी तेरे जरूरी गल करना है जम जम कर मैं अपने भरावां दी गल जरूर सुनागा इन्हां दी गल सिर्फ सुननी नहीं ये जो कह मन भी लवी पुत्रा जे गल मनन वाली होई तो मैं तेरे फायदे बगैर मन लैनी दसो की गल असीं ये चाहते हैं चौधरी कि तू सुल्तान के मुकदमे की कार्रवाई करनी छड़ दे ओ क्यों सुल्तान साढ़े चौधरी भरा का कातल है तो हर कीमत से फाइल लगना चाहिए बिल्कुल ठीक है मैं तेरे नाल तू बोलता है क्यों ना बोला अब्बा सुल्तान ने अच्छी चौधरी को कतल करके सारे चौधरियों की गैरत में लगा रहे हैं नाम जरूर फाइल लाऊंगा मेरा चंगिया भी पानी नहीं बकवास ना करता रहा सुल्तान ने अच्छू चौधरी नहीं एक बेगैरत इंसान कतल किया है हर बेगैरत इंसान इसी तरह मरना चाहिए सुल्तान गरीब होके भी गैरत वाला है गैरतमंद सुल्तान फांसी के फंदे तो बचाने वास्ते जे मैं अपनी सारी जायदाद बेच के ही मुकदमे से लानी पई तो मैं दरेक नहीं करा चंगी तरह सोच ले चौधरी कातिल एक गरीब मुजारा अच्छू चौधरी साड़ी बिलादरी का बंदा तेन कातिल की कभी हमायत नहीं करनी चाहिए बिना बख्शा जे अच्छू चौधरी की थान मेरा पुत्र शायद कतल होता और अभी मैं फिर भी सुल्तान की हमायत करता इसलिए कि हर गैरतमंद इंसान जिंदा रहना चाहिए सलाम मासी हाँ शमो ऐसे खैर ना लाइए मासी मैं तेन यह दसन आई हाँ कि मेरे अबे के सिवा साढ़े पिंड के सारे चौधरी दलील के कमीने ने क्यों की गल हुई है उठ जाने सारे रल के मेरे अबे को लाए तो उन्हें कह लगे कि वेख चौधरी तू सुल्तान को बचाने की कोशिश पिया कर लें यह चंगी गल नहीं तुम्हें चौधरी है तो सुल्तान एक चौधरी का कातल है तेन तो चाहिए तो सुल्तान में फाइल लवा देने रब ना करे फिर तेरे अबे ने की आखिया अबे ने कहा कि कुछ भी हो मैं सुल्तान को बचाने लिए अपनी सारी जायदाद बेच के मुकदमे से ला देंगा सुल्तान एक गैरत वाला जवान है उन्हें एक बगैरत चौधरी को कतल करके बड़ा चंगा किया रब क्यामत तक जिंदा रखे तेरे प्यो वो इंसान नहीं फरिश्ता है सीए वो मेरे सिर से बड़े एहसान ने तू फिक्र ना कर मासी तेरे पुत्र सत्ते ही खैर ने अल्लाह तेरी जुबान मुबारक करे सीए मैं कि अच सारी रात मसले से बह के गुजारनी या तू कर के रिसाओ अभी रात भी लंघ दी अज मैं भी नहीं सोना मासी क्यों मैं सारी रात जाके सुल्तान वास्ते दुआवा मंगा ली भला हो भी दी है तू दीजिए आनी और रब तेरी दुआ कबूल कर लेगा मेरी दुआ जरूर कबूल होगी मासी इंशाल्लाह अच्छा हूं मैं जानी हूँ अस्सलाम वालेकुम वालेकुम मोहम्मद सुल्तान वल्द मोहम्मद रमजान को पेश किया जाए वकीलों की बहस और गवाहों के बयानात सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मकतूल चौधरी मोहम्मद अशरफ
उर्फ अच्छू सोची समझी स्कीम के तहत मुल्जम सुल्तान को करना चाहता था, जिसका सबूत मकतूल के हाथ का लिखा हुआ वो रुका है जो हाकू बदमाश ने अदालत में पेश किया है, और पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्जम सुल्तान कुएं में बहन की लाश देखने के बाद जब तैश में आकर मकतूल की हवेली में पहुंचा तो उसे देखते ही मकतूल ने मुसलसल गोलियां चलाकर मुल्जम को मार डालने की पूरी पूरी कोशिश की, लेकिन सिर्फ एक गोली मुल्जम की रान में लगी और फिर मुल्जम ने अपनी जान बचाने के लिए मकतूल की बंदूक छीनकर उसके सर पर शदीद ज़र्ब लगाई, जिससे मकतूल हलाक हो गया। लिहाजा मुल्जम मोहम्मद सुल्तान बल्द मोहम्मद रमजान जेर दफा 99 ताजी रात पाकिस्तान का इज्जत तौर पर बरी किया जाता है। सलाम अलैकुम जनाब। भैन जी मैं तेन बहुत ही मुबारक हो। चलो रोनी क्यों है चलिए मुलाकात कर आई है भरा की कबर ते फातिहा पढ़न नहीं आई ओ मेरे वर्गे जवान वास्ते 5 साल की कैद ते को गल ही नहीं हौसला कर मेरी भैन ओ मेरा कि मावा बाल डरांदियां नहीं मैंने भी पता सी ताजा पर तेरे या मेरी इज्जत वाल हाथ वदांगे इस गल का पता मैंने तेरे जेल आने तो बाद लगे सलमा मेरे यार तक मैं नहीं अखरे रखनी कभी जरूरत नहीं करनी इस गल का यकीन तू कर ले मैं ते यकीन करके 5 साल तेरा इंतजार कर सकती हूँ ताजा पर तकदीर किसी का इंतजार नहीं करती जिन्हों के बदमाश भरा जेल चो उन्हें बेसारा पैरों की इज्जत हर वेले खतरे च रही मोहल्ले के शरीफ लोग मैं इसलिए पनाह नहीं देंगे मैं एक बदमाश की भैन तेरे बगैरत यार मेरी इज्जत वाले तेरे हाथ बदल देखे उन्होंने हाथ रोकने वाला मैं रब दे वास्ते चुप कर जा तेरा दुख सुन के मेरा खून खौल गया मैं इस वेले बेबस हूं मेरी भैन मेरा बस कोई नहीं चलता मेरे रब्बा मैं बड़ा गुनाहगार मैं अपने गुनाहों की माफी नहीं मांगता मैं इतनी ताकत दे दे कि मैं सिखा तोड़ के बाहर निकल जावा अपने झूठे यारों के खून च हथ रख के उस मंदिर को अग ला दो जितों मेरी भैन रोंदी आई की गल है ताजा तेरा ते ना लैके मावा बाहर डरांदिया ने ते तू जेल च आके रो क्यों लगता है अरे की दसा दारिया यारा दे हथों डंगिया गया जिन्ना यारा दी खातर मैं खतन करके जेल च आया अज उन्ना यारा को इज्जत बचा के मेरी भैन रोंदी भी नहीं सुनाई ओ चलिया पंजे उंगला इको जी नहीं होंदिया मैं भी तेरा यार हाँ तू अपनी भैन नू मेरे नाल तोड़ दे ते नाले उन्हें यारा ने ना दस मैं एक टिक का गाता ला देगा तू तो चंगी तरह जानना मैं नहीं मंगता नहीं दा रहा उन्हें यारा नाल तो मैं आप ही निपड़ांगा सबाब नाल आ गई मेरी बहन हमारा समझ के पिंड ले जा इज्जत समझ के नाल ले जाना मेरे पिंड के तेरे प्यो ने साडे कोलों 1.5 बोरी कणक दी लिखी थी ते अद्धी बोरी सूद दर सूद है हुण तेरा बक बक करना बिल्कुल बेसूद है जा चली जा इथों अपने जमालों का खाता खोलन दे और मैं इस तरह खाता खोलांगा जिस तरह बीवियां सवेरे उठ के अपने खसमों के खीसे फोन दिया आने चलिए ऐ उधर जाना मुश्किल पान है तेले दे के ते हवेली लिख लंदा है हवेली ओए जमालो रे मेरे को केली मैं नु सुनावांगा प्यार दी पहेली मैं छेला ए मेरी केली छोड़ पमरा फुल चमेली क्यों मेरी सहेली अरे अमनशी जी ओए जरा मेरा हिसाब ते देख मैं तेरे किन्ने पैसे देने ने जा चलदी ना बेटे ओए लान देन फिर खाब मोहब्बत पाक बड़े फिर मार दे नहीं रेड़िया मैंने पता लग जाए मैं तेरे किन्ने पैसे दे जरूर पूछा फिर तेरा हिसाब से मैं अपने दिल दे उते लिख आया हां हां दे खाता बनाम मुकल्लम खुद जक ना शुद्ध दोशत बरोड़ बुद्ध पंजार का तो मेरे को कांटे वास्ते लावी थे जो मैं तेरे को कभी भी नहीं लेना
शामिल किया मैं यार मैं तेरे को बड़ा जरूरी एक बड़े बड़े काम आया की काम करना आया थे यार मैंने एक नेक काम वास्ते 50 रुपए उधार चाहिए ने मैं नाल ही मान दे कल वापस कर देंगा मुंशी मैं तेरे को 50 रुपए उधार मंगने को तेरे प्यो ने मरन का सुनिया तेन आज सुनाया प्राप्त करके जा पे गल फिर मेनी जी है तू सारी जिंदगी अज मेरे को नेक काम वास्ते 50 रुपए मंगन आया उसे मेरे को 50 नहीं जी वो मेरे को 30 गए अज तू पावा काम नेक कर ला 20 रुपए शाम में मेरे को खुदा दे वास्ते लै जा बड़ा पक्का माचे किरच नू मिल के लाने मैंने कहना सी बड़ा बड़ा बेईमान ओदी जद बेईमान इतबार ओते आप बड़े वड्डे बेईमान दा पुत्र है ठीक है ना तेरे ती तन्नू आगा लेना खैर वे मेरे भी आहो यार लै बड़ा याद कराए एक ऐ दो है उन तो आपके पास बिल्कुल ना तू मेरे को लेना था ना मैं तेरे को लेना ठीक है अच्छा चलागा लेके वाह भाई वाह वाह मेरे मौला दुनिया ते कैसे कैसे नेक बंदे पैदा किए ने ओए कैसे नेक दिया तुखमा ਉਹੀ ਕੀ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹ 30 ਰੁਪਏ ਚ 10 ਰੁਪਏ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਚ ਫੜਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਚੱਕਰ ਬਣ ਗਿਆ ਮੁੰਸ਼ੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਕਰਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਤੂੰ ਆਵਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਹਰ ਜੁਨੇ ਰਾਤ ਬਣਾਈਏ
पसीना जदों मिट्टी विच रलिया मथे दा पसीना जदों मिट्टी विच रलिया एक एक बूटा साडे लहू नाल पलिया होए एक एक बूटा एक एक बूटा साडे लहू नाल पलिया रब सुन साडिया होए रब सुन साडिया बीज तने रखियां कोई गल नहीं चला अंदर तू मैं पिंडों बार इस लुगे मकान च क्यों लाया तेरा आपे नहीं तू एक घर की गल करनी है कि चलिए मैं तो पूरे पिंड का मालिक हाँ पर पिंड वाली हवेली तेरा रहना ठीक नहीं सी क्यों इस कि तू खूबसूरत ही है तो जवान है मेरा मतलब है लोग शक करेंगे कि मैं तेन शहरों कट के ले आया वहां ऐसा तेरी खाम खा बदनामी होगी तेरे कार च तेरी कोई मां भैन नहीं है भैन भी है ते प्यो भी पर मैं जमीन ते हवेलियां दे सिवा किसी नु रिश्तेदार नहीं समझता की मतलब भैन ने डोली च बह के पराए घर टुर जाना है ते प्यो ने एक दिन कबरे जा सोना है ते बाकी रह जानी ने जमीन ते हवेलियां उन्होंने किधरे नहीं जाना इसे लई ते मैं जायदाद नु अपना यार गम गुसार तू बेफिक्र होके इस घर दी मालकन बन के रहो पर मैं इत्थे कल्ली रहांगी नहीं नहीं तू कल्ली क्यों रहेंगी मैं हर रोज तेरे को आंदा जांदा रहांगा ते दो चार नौकर हर वेले तेरी खिदमत च हाजिर रहेंगे तेनू दुनिया की हर शह इत्थे मिलेगी ए ते ठीक है पर मैनू डरन दी कोई लोड़ नहीं ऐ मेरा डेरा है इत्थे मेरी मर्जी दे बगैर चिड़ी भी नहीं फड़ सकती सारा इलाका जानता है मेरा डंगिया भी पानी नहीं मंगता ओए नेक बख्ता तुम ही अल्लाह दा किट्टा नेक बंदा है सारी हयाती च एडे थोड़े गुना और तेरी सुभान अल्लाह
मैं कहना वा बरकत ही पै गई ने मेरिया नेकिया ना कंधा ही भर गई ने मैं तो सीधा जन्नत ही जाना है मैं तेरे अगे सवाल लेके आई हूं मैं खाली हाथ ना टोरी माई ए नेक भक्त का मकान है एस करो कोई गुनाहगार खाली हाथ नहीं जा सकता बोल की जानी रे पुत्रा मेरे बटल दे भुखे बैठे मैं इथे तंदूर कढे आटा ले आने मैं क्या इथे राशन दे भुखो ले थोड़े जी ने पैसे दे दे हां ए नेकियां दा बैंक जरूर है माई तू बड़े वेले सिरे आई अल्लाफा ए 20 रुपए मैं हुणे चुरा के ले आया वा ए तू ले जा तेरे बच्चे भुखे ना रहे भला अभी पुत्रा पर दस चोरी के माल नेकिया क्यों करने माई एक गल तेरी समझ च नहीं आई अल्लाह दे नेक बंदे कहंदे ने के दुनिया ते एक बदी करो ते अगले जान एक लिखी जांदी है दुनिया ते एक नेकी करो ते अगले जान 70 लिखिया जांदियां ने मैं 20 रुपए चुरा के ते एक बदी कीती है ते तैनू पैसे दे के 70 नेकियां लिखवाईयां ने तू आप ही दस मैं घाटे का कारोबार किया तेरा भी भला हो गया ते मैं भी जन्नती जमीन अलाट हो गई है इंशाल्लाह आस्ता आस्ता उत्ते मकान भी पवा लांगा आमीन चल जा जाके बालों की रोटी का बंदोबस्त कर जा खैर होगी मैं भी मेरा साथ कर दे ओए नेक बख्ता जेब ते हो गई खाली हूं इतो सीधा सनामा नहीं मुंशी तू बड़ा बड़ा बेईमान का पुत्र है किसी ने तेरी जिंदगी मेरे भी जा तेरा गग ना रवे झूठी रेशमी कमीज आ लिया वाह भाई वाह बल्ले बल्ले चौधरी जी ए घोड़ा ताड़ा है आ पुत्र मैं ले लवा तू ले ला पुत्र ते तो घोड़ा चंगा है लो फिर मैं जी फड़म वेखना अब्बा तू इस सुल्तान नु घोड़ा क्यों दे दिता है घोड़ा लेके सुल्तान खुश हो गया इस मेरा की नुकसान है पुत्र सुल्तान नु तू मुजारिया नहीं अपना भरा समझिया कर ए नहीं चौधरी जी गरीब अमीर का ना भाईचारा नहीं पसंदा है ना यारी दारा चौधरी रवे ते मैं मुजारे ही ठीक हाँ आहो अब वेख ले अब्बा तू जरा इन मेरी औकात तो बहुत इज्जत दे देती है तो औखा बुरा लग पे पुत्र ये सिर्फ जुबान अखड़े दिल का भैड़ा नहीं तू प्यार मोहब्बत ना इन अपना यार बना रहा तेरिया बाहां होर मजबूत हो जाएंगी और मेरिया बाहां अगे बड़िया मजबूत ने अब्बा मैनू यदि की लोड़ है मेरे ना जिस दिन औखी सौखी करेगा धौन तुड़ा लेगा और मेरा डंगया भी पानी नहीं मंगता बस कर मासी सवेर के बड़े काम किए नहीं थक गई होगी हूं भांडे मैं मालनी नहीं चक्कर भांडे मांजी तो तेरा काम नहीं मसलन क्यों इसलिए कि तू मालक सी थी कि मैं नौकरानी नौकरानी हूं मालक काम नहीं कर दे वाह नहीं मासी करिए असल में कभी नौकरानी समझे मेरा अब्बा तेन भैन कहें ते मैं तेन मां समझनी साढ़े घर नौकर मालक वाली गल ही कोई नी ये गल ठीक है जी पर फिर भी मालक मालक ही होंगे ने नौकर नौकरी मैंने सब तो वही गल ये कि तेरे प्यो दे मेरे सिर से बड़े एहसान ने ते मैं सारी हयाती इस घर की खिदमत करती रहांगी चंगा मासी हूं तेरे दिल चो नौकर ते मालक का फर्क कढ़न लई ना मैं एक चीज सोच रही कि मतलब यह दे मासी कि कल को इस घर का काम तू करेगी तेरे घर जाके हांडी रोटी बोकर भांडे मैं मांजा कराई किस तरह हो सकता है क्यों नहीं हो सकता मेरे हाथ को सोने दे जड़े घर जाएंगे रब तेन तत्ती वाह ना लाए शमू तू ही अपने प्यो अख बड़ी वेख दे मां दूध वाली चाटी किथे क्यों पुत्र ले एवी कोई पूछे ना की गल बारों थक टुट के आया जरा छन्ना दुध आ पियांगा ते ठकेवा लै जाएगा ले चाटी ते है कोई वाह भाई वाह मां जुस्सा आ गया हो गया लै हूं मैं तेरे ते चलिया खैर जा तेरे ते फिर जाई पहले एक गल ते दस उस सौ गल्ला पूछ पूछे बगैर दूध क्यों पीता है ऐसी मतवल बगानी चाय अपने आप नहीं लई दी मंग के लई दी है मंगना फकीरा दा काम है मैं कोई फकीर हां दूध पीन ते जी कीता सी पी लिया पर दूध पीन तो पहले तन पूछना ते चाहिदा सी ओ मैं जट बंदा मेनू बहुतियां गल्ला नहीं आंदियां बथेरा दूध पिया है तेरा जी करदा ते तू भी पी लै जी पुत्र ए साडे मालक ही दी है इदे नाल इस तरह दी गल्ला ना कर ओ मैं कदों गल्ला करना इन्ने ते मेनू आप खिला रिया तू आनी है ते मैं चला जांगा देख पुत्र इदियां गल्लां दा बुरा ना मनाई ये दिल दा पैड़ा नहीं उंजी आखा बोलन दी आदत
मैं आपे समझा दिया। नहीं मासी, तेन समझाने की कोई लोड़ नहीं, तेरे पुत्र मैं आपे ठीक कर दिया। यकीन कर अब्बा, ये जरा अपना मुंशी इलमदीन ना, ये बड़ा बेईमान आदमी है। मैं उसे कुल कितनी बारी असाम मंगे हैं, वो परादे पानी नहीं पहन देता। चौधरी जी मैं मारे गया, चौधरी जी मैं लुटिया गया, चौधरी जी मैं कान जा हो गया, मैं कान जा हो गया। यो है यो इलमदीन ना। चौधरी जी टाटा कख नहीं रहा, चौधरी जी टाटा कख नहीं रहा, पाई पाई फकीर हो गया, तन तो मंग दिया किसी ने घर नहीं देनी। बस ना कर रहे, यो है खुदा हम मेरे जो खाता गुआच गया, मेरा ख्याल है चूहे लेंगे। ठीक है, सुन ले अब्बा, मैं तेन फिर क्या थी ना चोरी ते फड़ी गई ना, मैं कहना बाकी भी सारे इस तरह के चोर ने कर दे, मैं आप जाए ना, मेरा दिल तो सुल्तान नु दुआवा दे, चोरी नु नहीं, चौधरी से दारा भी है जिन्हें मेरी तीनों हमेशा मैली अखना तक है। नूरिया नमक रामा माल साडा। चौधरी जी तुसी भी सुल्तान वर्गे हो जाओ, ते रब दी सौ पिंड के सारे गरीब तुहानू भी दवा देन। अज तू मेरे सामने नहीं खोल देगा। चौधरी जी जालिम दी अखीर भैड़ी आउंदी जी, रब को ना डरो। पहला तो तेरे ते कभी जुल्म नहीं कीता, पर आज जरूर करांगा। चलो खूब गेड़ के मेनू भी नहा दे मेरे साथ चलूं। चौधरी जी मेरी बुढ़िया बाहों इतना जोर नहीं, मैं टगे जो के तानू नहा देना। नहीं और तेरे जा नमक राम दिया भी सुधार, जब तू खूब गेड़ की नहा दिए चलो गेड़। चौधरी जी छोटे चौधरी और रने नाना थी वो लुआन करता है, ए ऐसे ते देखो, ए जुलम नहीं ते और की है। ओए जे जुलम है ते फिर मैं रोज करा, मेरा डंगिया भी पानी नहीं मंगता। ए वेख्या जे चौधरी जी, ए फिर मार खाना दिया गप्या करता जे। सुल्तान मैं तेन पुत्र आखना पेगा, ये मतलब नहीं कि तू मेरे प्यार तो नजायज फैला उठा रहे। ए की मतलब? एदा मतलब तू समझाया नहीं जीवा। ए ठीक है कि दारा पैड़ा है, पर इन समझाने का जिहड़ा तरीका नाम राधा आ गया समझी है कि नहीं, इज्जत करना तेरा फर्ज है। अज सारा दिशा मैं तू बताऊ पेड़े होंगे तू पेड़े होंगे वास्ते मेरी नहीं है जी की गल सुन लो। गल यही भावे तुम मैं 5 रुपए ले रहे फटाफट जल्दी हो। करना मैं चौधरी साहब की अचकल तो आके अपनी नेकिया इजाफा किया, तू एवे बा बा कर लगे तुम अपना काम शुरू करो क्योंकि यह साहब इतने मुकदा ना खीर घड़ी साहब ही लै लिया कर। जनाब गरीब आदमी काम ना करे तो खाए कितों की गल, अज तो बड़ी तमीज सीख ली, वो कितने गया तेरा रोब? मालकां दे सामने की रोब हो सको? मैं मालक हाँ जी। मेरा हुक्म मनेगा? जरूर। मेरे वाल तक अखा बंद कर, हुन खोल हाथ। ईमानदारी की गल है जनाब, इस काम की मैंने जाने मां बदौलत नु तेरे ते तरस आए, हुन प्यार दस के हसन की जाए असि तो आपे ही सिखा लवोंगे, साढ़े पीछे पीछे आ। चलो
बंदूक शिकार करने वाली अपने को बदल बड़े चारे ने कहनेर भी चलन वाली है चल छेती छेती काट मैं नंगे सिर क्यों आई इतों नहीं जानता लैके वापस जाने मैं फरियाद लैके आई हूं मैनू अथरू देंगे ना टोरी मैं जालमा को अपनी इज्जत बचा के तेरे कदमों च बना ली हूं मेरी लाज तेरे हाथ से मुश्किल कुशा दे खून दे आवाज से तेरे जनाब ज़ैनब दे नंगे सिर दा आवाज पे मेरी लाज रखी मेरी लाज रखी नंगे सिर मजाक पे आ गई सी ते मैं समझ कोई पद चलन कुड़ी है मैं उन्हें धक्के मार के पौड़ियों तो थले सोड़ देता फिर उन्हें रो रो के तीर अगे फरियाद की ते एकदम दुपट्टा उड़ के उसके सिर उत्ते आ गया और की प्यार ने बाबा नूरिया दुपट्टा अपने आप ही उड़ के उसके सिर पे आ पिया आहो पुत्र मैनू माफ कर दे वीरा मैं तेन उस मजलूम औरत की अखा ने तकिया जिन्हों भरा दे रूप च बदमाश इंसाना दे रूप च इज्जत दे डाकू नजर आए सन भैन दिया अखा नाल वेखे ते तेन मेरिया अखा च भरा दे अथरू नजर आ जा वीरा मैनू माफ कर दे वीरा मैनू माफ कर दे मैनू भरा बना ले ते फिर भैन बन के मेरे नाल चल जरा ऐसे ठहर जा पहना Thank you.
भैना ये मेरी मां है ते मैं दा पुत्र हाँ मेरी भैन ते तू बन गई है उन्हें दी धी बन के घर के अंदर चल पुत्र की नाम है तेरा सलमा मां ये वीर किड्डा करमा वाला है मैं उदे चंगे नाल भैन का दुपट्टा बनिया सी ते उन्हें मैनू भैन दे हूं इनू राणो ही समझी आहो पुत्र राणो का दुपट्टा उदे सिर ते वेख के मैनू तो सचमुच राणो ही लगन लग पई है मां मां सदके तेरी मां प्यो किथे ने मर गए ने ते भरा भी कोई नहीं वीरा जिन्ना पैरां दे भरा जीवदे होण उन्हां पैरां दे सिर तों दुपट्टा कोई नहीं ला सकता नहीं पुत्र इस विचारी की इज्जत बच गई है हूं तो दारे नूं कुछ ना आके साडी धी बदनाम हो जाएगी यह गल भी ठीक है मां साडी भैन की इज्जत बच गई सानू रौला पाउण की घड़ी लोड़ है क्यों भैना साडी इज्जत का सवाल है ना मां तू धी की खातर कर ते मैं जरा तेरे हो आवां तुम परेशान क्यों हो गया चौधरी और जब तेरे जा शेर दे उठो शिकार निकल ही गया है तो फिर की होया शेर जिंदा रहे शिकार बतेरे और परेशानी इस गल दी नहीं कि सलमा मेरे हाथों बच गई फिक्र ते इस गल दा जे सलमा बच बचा के अपने भरा ताजे कोल जेल पहुंच गई ते मैं ताजे दी नजरें जलील हो जांगा ओ चौधरी ताजा ते जेल दे विच उन्हें चीखा तोड़ के बाहर थोड़ी आ जाने ओ ताजा बाहर भी आ जाते मेरा की कर सकता है पर वो चौधरी जी जरा अंदर चल के गल सुने जे ओ तू इत्थे दस की गल बड़ी जरूरी गल है चौधरी जी इतने दस वाली नहीं 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 तू इतने दस सुन लिया जे चौधरी जी ताकि इज्जत का सवाल है इज्जत का सवाल है चंगा फिर इन्होंने सामने ना दस चल दूजे कमरे चली चलो जी कुंडे क्यों क्या मारना इसलिए कुंडी मारना कि ताकि आवाज बाहर ना जाए पर गल तू करनी है आवाज मेरी किवें बाहर जाएगी गल तो मैं ही करनी है पर रौला तुसी पाना है की बकवास पे करना दस रुपए करता सलमा की इज्जत वाले हाथ क्यों बनाया सी तू उन्हें किवें जानना अज तेरे सामने सलमा का भरा खलोता है जे तू सलमा का भरा बन के आए तो फिर मैं डंगिया भी पानी नहीं मंगता शायर आज तो सलमा तेरी बहन है मुझे मैं तेन जानों मार दिया सलमा मेरी बहन है सुल्तान मैं माफ कर है ना फिर मैं तानू माफ कर दिता चौधरी जी पर किसी नू क्या ना जे कि तानू केड़ी गलों मार पई है ताड़ी इज्जत का सवाल है लो हुण तुसी राम करो आखो मेरा टंगिया भी पानी नहीं हाँ जी मैं यकीन नहीं आता दा रहा कि तेन घोड़े तो डिगे सट्टा लगी है। मेरा तो ख्याल है तेरे जुल्म के हथों तंग आके किसी ने तेन चंगी फैंटी लाई ओए अब्बा मैं कौन फैंटी ला सकता मेरा डंगिया तो पानी नहीं मंगता बस बस तेरी इन्ना गल्ला नहीं तेन मार पवाई सीधी तरह मान जा नहीं तो अजकल च पता लग जाएगा कि तेन किन्ने मारे चौधरी जी छोटे चौधरी और की होया कहना घोड़े डिगे है पर मैं कहना किसने यदि आग कड़ पंगी है नहीं नहीं चौधरी जी दारा ते बड़ा ही जी दारे कोई माई दा लाल नहीं मार सकता क्यों दारिया ठीक है ना एदे च की शक है हां पर मैनू यकीन है कि तू झूठ बोले ओए मैं क्यों झूठ बोलांगा मैं को किसे को डरना बिल्कुल ठीक है दारिया तू रब कोलो नहीं डरदा ते बंदियों कोलो क्यों डरना है सच आख्या ही पुत्रा दारा एक ना एक दिन जरूर पछतावेगा तू खोता क्यों उठता जा मैं ते बह ही जाऊंगा चौधरी जी इजाजत हो वे ते मैं अपनी भैन नु बुला लवां तेरी भैन ओ बेचारी ते मर गई हुई है
मेरी भैन तो जरूर मर गई है पर मेरी गैरत अजे जिंदा है। रब की सौ जिदिया अखा च गैरत होवे ओनू हर मजलूम मुठियार अपनी भैन नजर आती है। ए आ जा सलमा। वालेकुम सलाम जी। ए घबराने की जरूरत नहीं तारिया, ए मेरी भैन है ते हुन तेरी भी भैन है। वीर नु सलाम कर सलमा। सलाम वीरा। वालेकुम सलाम। ए पुत सुल्तान सलमा केड़े साथ तेरी भैन लगती है। एक गल है चौधरी जी, एक बादे पुत्र चौधरी को अपनी इज्जत बचा के एक गरीबनी पीर से मजाक से बैठी हुई सी ते मैं इनू भैन बना के नाल इस घर आके मैं वीर भी मिल गया ते मां दा प्यार भी मां वाली। सलाम है मां जी। जिंदी रहा पुत्र। नोट मंगन आया फटाफट करके मैं फड़ा दो नहीं तो मरना। मरना की है? मरना मैं तेरे को खो के ले जाऊंगा। ओए कमीने तेरी इतनी जुरत। ओए चका तू नेक काम तो इनकार क्या करना। ओए नेकी पर बाप गुनाह लागन भली फड़ लो इनू तेरी लता बा बांध दे। ओ बिल्कुल ना ए दोस्ती दी आके लाके क्यों गुनाह करते होंदे हो। ओए बकवास नहीं कर। ओ डेड़ा कर पा खाना के बहुत मत मस्तो क्यों नेक पर गुनाह बांध दे। ए मेरे गुंडी ओए तुम मेरे को माल कौन आया था। ओ की गल है शम्मो तेनू की होया है। राह विच गुड़ जाने घबरू ने मेरे पांव फाड़ ले सी ते मैं छुड़ा के ना आ जाई। ओ कौन सी हो। ओ चल हां मेरे नाल। पर तू जाके की करेगा। ओ मैं ओदी बाह पन देंगा। क्यों? ओ ने तेरी बाह जो फड़ी है तेरे सिवा जड़ा मेरी बाह नु हाथ लाएगा तो ओदी बाह पन देगा। ओ जरूर पन देंगा। बस मैं तेरे मुंह एही सुनना चाहनी सी। रोई ते मैं झूठी मूठी सा है। अरे तुम बड़ी झूठी है। मेरा 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 मे
बंदे दा पुत्र बन के ठीक ठीक दस भी गई तेरी असल गल है चौधरी जी की मैं जिंदगी पहली बार सच बोलिया तो मैं चली लोग कुआर हो गया और मेरे प्यो की तो मैं कभी दर्ज नहीं बोलांगा ठीक कहंदा चौधरी जी बोरी ए नहीं चुक सकदा तेन कुछ ना कहा जे मैं समझ गया के बोरियां किन्ने चुराइया ने और मैं सुल्तान नूं वेल करन दा पूरा पूरा बंदोबस्त कर दिता पर की बंदोबस्त कीता ई चौधरी कुछ सानूं ही तां दस गोदाम चों कणक दीआं बोरियां चुकवातीआं ने ओए ते पर वड्डे चौधरी उहनां दा नुकसान है सुल्तान किवें जलील होएगा और तैनूं की पता होवे मैं प्यो नूं पूरा पूरा यकीन दवा देंगा कि बोरियां सुल्तान ने चुकियां ओ सुल्तान नूं पुलिस हवाले कर देंगे ते पुलिस सुल्तान नूं मार मार के बिल्कुल ठीक है चौधरी जी जरा जी गल सुनिया जी मैं वेला नहीं इतनी गल कर इधर होके सुन लो ताकि इज्जत का सवाल है सुन लो भी जी घर ता ही फायदा हो दस की गल एक गल है चौधरी जी के गोदाम चो गोलियां है गई चौधरी जी के तुसी अपनी शह आप चुराई है मेनू कौन मार सकता है मेरा डंगा तो पानी भी नहीं मंगता मैं पानी मंगन नहीं बोरियां का हिसाब मंगन आया दस बोरियां कितने नी बंदा मन सुत बंदा ही के बना रहे हैं चौधरी जी मच्छर की होया बड़ी जी राह चाहते हैं तारे ठेडा लगा ऐ करके कंध ना पहुंचा क्यों छोटे चौधरी जी दाजी का सवाल है बिल्कुल यही गल बिल्कुल यही गल तारा पहले मापे ना औखा नहीं बोले चौधरी जी
दारे नूं औखा बोलन दी बीमारी सी ते पिंड च इक सियाणा हकीम आ गया ते दारा चौधरी जदों उहदे सामने ना ते उह इहनूं ही खुराक पिया लैंदा ते कुछ दिनां दी राह आ जांदा हला ते बड़े काबिल हकीम है बस ताडियां तो मैं किस का बना ओए मेरे पता तुहार मैनूं दो जुक दी अग कोलों बचाई मेरे ते करो फरमान ਦੀ ਨੇਕ ਬਖਤਾ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਗੁਨਾ ਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਐ ਤੇ ਬੜੀ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੇਕੀਆਂ ਗਲਤ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਓਏ ਇਸ ਨੇਕੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂ ਵੇ ਚੱਲ ਵੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਏ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਓ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਖਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੇ ਕਾ ਲਿਆ ਵੇ ਕਿੱਥੇ ਆ इश्क तेरा कितियां ते गोडियां च बह गया कदी मगरों भी लेने सुने के फजूल गल्ला ने पक गए ने कितने सरेश कदी मगरों भी लेने मर जाए तू मैं बख नहीं होना जो दिला दा पै गया ने इश्क तेरा ओए ओए इश्क तेरा कितने आते गोडे अज बह गया इश्क तेरा कितने आते गोडे अज बह गया हुस्न दिए सरारे मेरे दिल बिच शौक गुलामी दा तेरी अगे मरिया माजा थी ना कह गया नी इश्क तेरा आ, आ, इश्क तेरा कितने आते गोडे आज पै गया कितने आते कोटे आज बह गया तेरे लाई बगाना पुत्र पड़े का ते रुले जेते पीछे डुले की होया कोई गल नहीं निबल लगा ना पुछे खड़े का ते रुलिया ओदी जुत्ती नो परवा ने जेते पीछे रुलिया तेरे वरन जागे नी तू की ना हर गल से गया इश्क तेरा आहा किते या ते कोटे अच पे गया किठा भी ना काला को मेरे जो बर है गया इश्क तेरा किते या ते कोटे अच पे गया गरीब पुत्र समझा ना मैं तेन प्यो मानना तू दारिया
जिदा मैं खाना खराब कर दिता है। जिस तरह इस हग च मुंशी दे वहीं खाते साढ़े ने इंशाल्लाह इस तरह अगले जान दो कंधे से बैठा आके सेक लिया मंगा पर मारे बड़ी गर्मी भी लगती है। ऐसे बड़ी नेकी का काम किया है नेक बख्ता उस मुंशी ना मुराद ने गरीबन लहू पीन की कसम खाधी हुई थी ते मम्मी ओदा बेड़ा गर्क करन दी सौं खाधी हुई सी बर्बाद कर देंगे इस मुंशी के बच्चे वे मुंशी उठ जाना तो बर्बाद हो ही जाएगा। कदे तुम ही अपना कारोबार करन दी सोचिया की मतलब मतलब ए मतलब दी है मैं क्या तू हुण ऐसे चली जा मैनू रब कोलो बड़ा डर पिया हुंदा है ए गल मैं किसे सियाने कोलो पुछांगा जे प्यार करना स्वाद दा काम होया ना ते मैं जरूर करांगा। अच्छा मैं चली जानी हां एक नेकी दा काम कर की मैनू छेती दस अड़िया मैनू दसां दे नोट दी लोड़ है दे दे नोट बस ऊंखनी मेरे मगरों लाई उते या मेरे मुची का कर देंगा मैं बेड़ा कर रख वे सुल्तान है बड़ा करके टुरना है वे तो अपने आप नु समझना की है और की आखे ही वे तो बोला ते नहीं ना जो मैं आखे सुन के खलोता है ना ओए तू बोलनी किस तरह है वे मैं ते इस तरह ही बोलांगी मैं भी तेरे को डरनी है ओए डरान दी ते मेनू डाडी जा चांदी है पर तू औरत जात है इसलिए मैं तेरा लिहाज करना तो ना कर मेरा लिहाज हिम्मत आई ते मेरी बाह नु हाथ ला के बहा ओ देख मेनू गुस्सा ना चढ़ा नहीं ते मैं सच्ची मुझ बाह फड़ लांगा ही वे चल तू मेरी बांह नु आ तू एक लावा हला ए गल है एलएफए मैं तेरी बांह फाड़ लियो हुन दस दसा फिर दस हर गल च मिन्नी झूठिया करना और तू कम ही यहोजा करना ना मराता तू मेरा पुत्र है ते ए मतलब नहीं कि जदों चाहे किसी गरीब नु बेइज्जत कर देने पर बेइज्जती ते ओदी हुंदी है अब्बा जदी कोई इज्जत होवे एना कमी कमीना दी ते इज्जत ही कोई नहीं हुंदी बकवास ना कर ए ना होण ते तैनू चौबी साहब कौन आखे इना लोकां नाल ते साडी इज्जत है इन्हों लोगों ना साड़ी इज्जत नहीं बल्कि साढ़े हाथ से इन्होंने लोगों की जिंदगी है ये साड़ा दिता खाते हैं रब को डर कोई किसी दिता नहीं खाता रिजक देने वाली एक दात रब भी है जिसे असं भी मुहताज मैं किसी का मुहताज नहीं अब्बा और तुम भी कन्न खोल के सुन लो हूँ साढ़े चो कोई अब्बे कैद लैके आया तो मैं तड़िया लत्त बह पा देंगा मैं तेरा लिहाज किया अब्बा इसलिए इन्होंने माफ कर दिता साडा भला करे चौरी साहब असा और गरीबों ने तुम्हें की कहना है चलो दस दफा वो गरीबा ते मिस्कीना ते जुल्म करना छड़ दे दारिया नहीं तो एक दिन सावेगा ओ छड़ डब्बा दम दर्द बन जा गरीब बनने लई मुजारियां दे सिर ते चित्रा दा खड़ा जरूरी हुंदा है ओए मैं भी एक जरूरी काम लई आया चौधरी जी आप पुत्र सुल्तान केड़ा जरूरी काम पै गया तुम साडे नाल ए ताडी इज्जत दा सवाल है ओ साडी इज्जत दा सवाल है खुल के गल कर ओ केड़ा मायदा लाल है जड़ा साडी इज्जत दा लठ बुदा है मेरा डंगिया भी पानी नहीं मंगता तू चुप कर ओए चौधरी मैं ते वड्डे चौधरी होरां नाल गल करन आया जेडे इज्जत ते गैरत दा मतलब समझदे ने तू बेना गल कर पुत्रा इन्हों ते एवी बक बक करन दी आदत है अब्बा ओए आराम नाल बाह ओए कदे इंसान बन के भी गल करया कर हर बिना चौधरी दा बड़िया रहया कर ए कोई गल नहीं चौधरी जी दारे दा कसूर नहीं कसूर ए शमले दा है जेड़ा हर वेले दे सिर ते रहंदा है ओए दी गल छड़ पुत्रा तू अपनी गल कर गल है चौधरी जी ताड़े को ले नाल दिया किनिया पगा ने पगा तेरिया ने एक एड़े पिछले वाली गल एक होते सारी गल है चौधरी जी ए पग मैनू दे दे पर एक ही चीज है बाकी इज्जत होंगी जनाब ताड़ी इज्जत बनाने लिए मैं पग लैके चलिया की मतलब चौधरी जी तुसी इन्ने अमीर हो कि ताड़े को किनिया पगा ने ते करमू इन्ना गरीब है कि जवान धी का सिर कजन लई दुपट्टा नहीं खरीद सकता मैं इस पग दे दो दुपट्टे बना के करमू की धी नूं देंगा उदा सिर कज्जा जाएगा ते ताड़ी इज्जत होर वध जाएगी
ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਂਝ ਆਖ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਮੋ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਦੁਪੱਟੇ ਲੈ ਦਿੰਦਾ ਇੰਨੇ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਗ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਮੁਟਿਆਰ ਵੱਲ ਕੋਈ ਮੈਲੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕੇਗਾ ਕਿਉਂ ਛੋਟੇ ਚੌਧਰੀ ਜਾ ਚਲਾ ਜਾ ਤੂੰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੱਗ ਲਾਈਏ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਅੱਬੇ ਤੇ ਲਿਆ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਚੌਧਰੀ ਪਿਓ ਦਾ ਲਿਹਾਜ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਛਾ ਸਲਾਮਾ ਲੈਕਮ ਜਿਉਂਦਾ ਇਹ ਵੀ ਅਜੀਬ ਆਦਮੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਕਰਦਾ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਬਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਤਾਂ ਬੀਜਾ ਵੇਖ ਲਈ ਨਾ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਤੇਰੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲੈ ਸੁਲਤਾਨ ਬੇਵਕੂਫ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਬੇਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਇਹ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੀ ਮਾਫ਼ ਕਰੇ ਧੀਏ ਮੈਂ ਐਡਾ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦੁਪੱਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰ ਅੱਬਾ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਨਸੀਬ ਪਿਓ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਥੋੜੀ ਅੱਬਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਪਾਲਿਆ ਰਹੀ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਦੁਪੱਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਟਾਕੀ ਲਾ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਚੌਧਰੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਕਪਾਹ ਚੁਗਣ ਜਾਵਾਂਗੀ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲੇ ਨਵਾਂ ਦੁਪੱਟਾ ਖਰੀਦ ਲਾਂਗੀ ਤੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਦੁਪੱਟਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਚੌਧਰੀ ਹੋਣਾ ਦੀ ਪੱਗ ਲੈਣ ਦੀ ਏ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਲਈ ਪੁੱਤਰ ਵੱਡੇ ਚੌਧਰੀ ਹੋਣਾ ਦੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਅਜੇ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਓਏ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਚਾਚਾ ਅੱਲਾ ਮਾਲਕ ਏ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਏ ਪੁੱਤਰ ਪਰ ਬਸ ਬਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗਾ ਮੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਣ ਛੇ ਫਟਾਫਟ ਕੁੜਤਾ ਪਾਰਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਕੱਠੂਗੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਖਾ ਜਾ ਓਏ ਬੱਕਿਆ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਚੁੱਕ ਲਾ ਓਏ गरीब दे घर चलिया ने बात मेरे त्याग करे मार मार के मैं पशु बना देगा मैं की जवाब दियागा मैं आप ही जवाब दे लांगा बोरिया कितने ला चलो बेचन नहीं चलिया चौधरी सवाब दे काम नहीं लैके चलिया हलवाई की दुकान कमाए तू गरीब करना छड़ जा मैं तुम नहीं छड़ दवांगा तू बंदे का पुत्र बन जा तो मैं तुम पुत्र आखना छड़ दवांगा तेरे जितने गरीब अखा च अथरू वेख के मेरा सिर नहीं वापस छन आया वा जिन सुल्तान तेरे सिर तो पग लै गया अज बगैर पुछो दो बोरियां देखे ना सुल्तान ने कोई भैड़ा काम नहीं ना किया दो बोरियां चौलों ना साडा कड़ा गोदाम खाली हो जाए ठीक है मेरे रहन जिंदा ने गोली मार मर्जी नू मैं एक जरूरी गल करनी है नहीं सुन दी तेरा गुरु नहीं वे ओए होश कर नहीं मार खाएंगी मार खाएंगी मार के दसा फिर ਹਾਰ ਜੋ ਹਾਰ
ਦੱਸੋ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇਵਰ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੇਰੇ ਜੇਵਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਧੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਜੇਵਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਘਾਟ ਹੈ ਬਥੇਰੇ ਸੈੱਟ ਨੇ ਪਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇਰੇ ਜੇਵਰ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਿਰਫ ਜੇਵਰ ਹੀ ਮੰਗੇ ਤੂੰ ਜਾਨ ਮੰਗੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ पर तू करेगा की ओ मज्जा चराने वाला बाबा नूर है ना आहो उस गरीब दी धी दा ब्याह है ए जेवर उन देंगा ते नाले दाज दा इंतजाम भी करांगा तू घर जाके और जेवर पा ले इससे गल्ले तो मुझे चंगा लगे कि रब ने तेनु बड़ा ही चंगा दिल दिता है सलमा तू शहर दी रहने वाली है ते मैं तेरे लिए शहरों नवे फैशन दे कपड़े सवा के ले आया भला होवे दारिया तू मेरा किन्ना ख्याल रखनी मैं तो चाहना सलमा इन्हों को खुश रखा कि तेनु अपना भरा पहुंचा भैणा वीर कदे नहीं भूलते दारिया एक पासे आंदियां खुशियां होन ते एक पासे वीर दा गम हर भैण वीर दे गम नु चोले च पा लेगी ते खुशियां लटकी गई ने चल छड्ड ना गल्लां भरा नु याद करके ते तू फिर रोण लग पई ते मैं चाहना तू हर वेले खुश रहे ऐ ले भाड़ इन्हें जो जोड़ा जोड़ा तेन सब तो ज्यादा पसंद आवे वो छेती नाल पा के आ जा मेरे नाल और तू सो के तेरे जुर्म खबरा मार कर दिता जिन्होंने अपनी धी आख्या है तू ओदी इज्जत को हाथ बढ़ा के मजबूर कर दिता कि ते थलो चढ़िया दवा ओए मेरा डंगिया भी पानी नहीं मंगता ते गरीब भरावो तो मैं तुहाडे सारे दुख अपनी झोली च पा लिया जी हुण ते खुश होना वाजा रे जी आफरीन है तुहाडे इंसान से तुसां मिसाल कायम कर दी पुत्र सुल्तान बहादुरी जानदारी गैरत ने मैं मजबूर कर दिता है मैं अपने धी शम्मो का विआह सुल्तान ना कर Thank you.
वध सोनी हीर को रखे कहती हो गुजारा करो कुकर त्यार ना रो इथे अथरू वगाना है मना और इस कैद खाने दे कैदियों को हुक्का पीना है मना। ओ दारिया तू इथे की जुर्म कीता ही? तेरी भैन दी इज्जत बचाने लई गोली चलाई सी। मेरी भैन दी इज्जत बचाने लई? आहो ताजिया सुल्तान तेरी भैन नू जबरदस्ती चुक के ले जा रहा सी। मेरा ढकिया भी पानी और जिहड़ी गोली मैं सुल्तान नू मारी सी सुल्तान सलमा नू लाके नस गया। तारिया तू एक बेगुनाह नू कतल करके जेल जाए ते मैं गुनाहगार नू कतल कर रही जेलो बाहर जावांगा। मैं भी तेरे नाल जावांगा ताजिया पर जेल दी उच्चिया कदा किवें टप्पांगे? इसलिए गैर दलाऊ अखां विच आ जाए ते उच्चियां कंधां भी घर दी दलीज तो नीवी नजर आउंदियां ने। किधरे सानू पुलिस नहीं लगती फिर दी। ते नाले सुल्तान नू किसे बहाना होंगे अगो असी जानिए साडा काम। तारिया मैं पुलिस को नहीं जाता एक बार सुल्तान मेरे सामने आ जाए मैं ओदे लहू जा फांग के आप पुलिस को चले जावांगा। चौधरी साहब कानून तो सियासत च ना लवो सानू सिर्फ इतला कर देना गिरफ्तार आप कर लांगे। चंगा खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चौधरी जी तारे ने जेलों नस के चंगा काम नहीं किया और पुत्रा उन्हें जेल तो बाहर रह के चंगा काम करों कीता सी। मैनू यकीन है कि कानून तो बचा घर जाके बना लवेगा जाके चला जा। शेर खान कह रहे कि जे वो तेरे पिंड आवे तो वो उत्थे आने की सलाह फौरन मेरे पिंड पहुंच जानी चाहिए। चंगा चौधरी जी मैं हुणे चला जाना पिंड ते दूर है पर कोई गल नहीं मैं रातों रात वापस आ जाऊंगा। जा शाबाश जी दौरा। चौरी तू तो मैं लै ही आया पुलिस तहू लग रही है तो वे चौर ने आख्या जे दारा पिंड आ गया ना तो उन्होंने मैं जिंदा गिरफ्तार ना करा सकता तो मैं फिर पुत्र गोली मार के लाश में थाने पहुंचा दिया वा। और दारा जाने तो वह प्यू तू मैं यह दस सुल्तान कितने? वे चौर ने उन्होंने निजामपुर तोड़िया उतों मैं उन्होंने जूंदे पिंड च नहीं बढ़न देवगा वह मेरा ना लैके मावं बाहर डरा ने। मेरा टंगिया भी पानी ने मंगता ताजिया अज रात सुल्तान तेरे हथ कतल होगा जो दे सीने च गोली मै जा ते सुल्तान दे राह जदों वापस आवे गोलियां मार मदा सीना छानी कर दे। जिहड़ी गोली मैं सीने च मारांगा ओदी आवाज तो पिंडों बाहर सुन लैगा। अच्छा भी दारिया रब राखा आवे मर जा। चौधरी ताजा सुल्तान नू गोली ते मार देगा
जे सलमा ताजे ने दस दिता कि दारा मेरी उठना चाहता है वो फिर की करेगा? चलिया मैं कच्चे काम नहीं करता हूं, मैं कतीन नाल दो कार खड़े ने, सुल्तान थे लग जाएगा, बाकी रह गई सलमा कि उन मैं आप पिंड चुकर चलिया ना रवेगा बांस ते ना बचेगी बंसरी, ये ख्याल है। चौधरी वाकई तेरा दंगा पानी नहीं मांगता। नहीं तेरी मौत आई इस गल का फैसला पिस्तौल करेगी, पहली गोली उस थप्पड़ ना नहीं मारांगा जब तू मैं जेल मारिया सी, बाकी गोलियां उस जुर्म की सजा च मारांगा जरा गैरतमंद जबान से नहीं आ सकता। और मेरा नाम लेके मामा बाहर डरांदियां ने बंद कर दे तो तू मैनू अपना सुल्तान ही समझ, रब दी सौ इस धरती ते रहण वाली हर मटिया जिहदा नाम सलमा है ओ मेरी भैण, मेरा ते नाम लै के मामा बाहर डराउंदियां ने। मां चौधरी मन गया तैनू खूब कम वहाया, ओए असली कम ते मैं उदों विखाऊंगा जदों सुल्तान नू मरण दे बाद ताजा ताडे जो किसे दी गोली दा निशाना बनेगा। चौधरी सलमान ते तू चुक लिया है पर चंगा नहीं कीता, ए ताजा दी भैन है ते ताजा तेरा यार है। ओए चलिया असी यार ही उन्हें बनाने हैं जिदे कारे जवान भैन होए ते नाले जदों दी सलमा ने इत्थे आ गई है साड़ी तो ताजा दिखाई जा रही, तुसी दोवे जाके पिंडो बाहर खलवो जिस वेले ताजा सुल्तान नू गोलियां मार के इधर तरफ करे तुसी उहदा सीना छन नहीं कर। फिक्र नहीं कर चौधरी ताजे नू जूंदे असी नहीं जान देंगे। ओ तेरी खैर होवे तुसी जाके ताजे नू शराब पी के मैं अपनी मत मारना। अच्छा भाई चौधरी असी चल रहे हैं। और शराब ले आए यार रहमिया दारे ने कहते असी ताजे नु कतल करने वास्ते इत्थे बैठे हैं पर मेरा दिल कहता है सानू ये काम नहीं करना चाहिए। क्यों है ताजे को डर गया? नहीं रहमिया मैं ताजे को नहीं रब को डर गया। वो की मतलब है? वे दारा ताजे का भी यार है ते साडा भी, आज दारा ताजे की भैन की इज्जत लुटना चाहता है कल साड़ी भैन की भी वारी आ सकती है। तू ठीक कहना गामिया पर हुण करिए की? ओ मेरा ख्याल है ताजा दरांदा है उन्हू गोली मारन दी बजाय सारी गल साफ साफ दस दई है। तू ठीक कहना यार असि भी भैणा वाले हां, जज सलमान दी इज्जत लुटी गई ना ते फिर इस दुनिया में कोई किसी नू यार नहीं बनाएगा। ताजा ओए दारा किथे जे? ओए दारा सलमान चुके पुराने डेरे ते लै गया जवान चौधरी इज्जत लुटेगा। ओए दारा जड़ी सलमान चुके लै गया ओ सलमान मेरी भैन है। आहो ताजिया दारा किसी का यार नहीं, ओ यार मार है। ओ मैनू उत्थे लै चल रब दिसो अज मैं दारे नू कुत्ते दी मौत मारांगा, ओ मेरा नाल लै के मामा बाहर डराउंदियां ने। आ फिर चल
बशीरा ते रहमत ताज दी मौत दा सुनिया लैके नहीं आए। ओ मैं आप भी तेरी मौत बन के आ गया बेगैरता। इहदा मतलब ए वे कि तेरी मौत मेरे फुल ही सी। मेरी बहन सलवा कितने सुल्तान मैं दिलों जा सांगा।